कोटा जिले के कैथून कस्बे में मां का हत्यारा बन बैठा कलयुगी बेटा। मां की ममता को भुलाकर कलयुगी बेटे ने चाकू से काट दिया मां का गला। मां के डांटने पर उसने इस दिल दहलाने वाले घटना को अंजाम दे डाला। राजस्थान के कोटा जिले स्थित कैथून में बेटे ने गला रेत कर मां की हत्या कर डाली। हत्या के समय मां बाथरूम में कपड़े धो रही थी। पेशे से शिक्षिका मां ने बेटे को उसकी गलती के लिए डांट दिया था, इसके चलते उसने मां की हत्या कर डाली। इसके बाद 27 वर्षीय आरोपी रोहित कुमावत खून से सना चाकू लेकर थाना पहुंचा और समर्पण कर दिया। इसके बाद युवक ने घटनाक्रम की जानकारी दी तो पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए। मौके पर पुलिस को भेजा गया तो महिला गिरजेश कुमावत की लाश पड़ी मिली। रोहित से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि गिरजेश कुमावत ने किसी बात पर उसे डांट दिया था। इसके बाद वह इतना क्रोधित हो गया कि रसोई में रखे चाकू से मां की हत्या कर दी। हत्या के वक्त गिरजेश कुमावत बाथरूम में कपड़े धो रही थी। राजेश ने बाथरूम में ही मां को चाकू से गोद डाला। पुलिस ने गिरजेश कुमावत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।